सबसे पहले आपने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लेना है और इसमें दो अदद मीडियम प्याज आपने इनको बारीक स्लाइस करके ऐड कर देना है। प्याज को ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन या ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा ये पिंक कलर हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए और ये हल्का सा फ्राई हो जाए। भिंडी को आपने लेके इस तरह से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और छलनी में इसको ड्राई होने के लिए रखना है। जब ये ड्राई हो जाएगी तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तब इसमें इस तरह से आपने ग्रेटर लेके और इस तरह से ग्रेट करना है इसके अंदर डायरेक्ट। मैं ये यूज़ करती हूँ, मैं पेस्ट बना के नहीं रखती। इस तरह से फ्रेश यूज़ करने से खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर पेस्ट बना के रखें तो लहसुन और अदरक का जो फ़ायदे होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने तकरीबन 3 जवे लहसुन लिया है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। लहसुन और अदरक को ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई किया, जब तक इसमें से अदरक और लहसुन की खुशबू आना शुरू हुई है। अब इसमें मैं क्यूब में कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये 2 बड़े टमाटर हैं, भिंडी में टमाटर ज़्यादा हों तो अच्छे लगते हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूंगी जब तक ये टमाटर गल ना जाए। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसे कवर करके रख दिया था। अब चेक करते हैं कि टमाटर गले या नहीं। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, इनको आप इस तरह से चम्मच से मैश कर दें। अब साथ ही इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून नमक, नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर सकती हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी और इसमें अब थोड़ा सा साथ पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले जले नहीं। इसे मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। मसालों को फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं भिंडी ऐड कर रही हूँ। भिंडी को आपने इस तरह छोटे छोटे स्लाइस में काट लेना है। भिंडी को पकाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले इसे वॉश करना है अच्छी तरीके से मसल मसल के, उसके बाद इसे किसी भी छलनी में रख के अच्छे से ड्राई कर लेना। जब ये ड्राई हो तब आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर गीले की आप कटिंग कर रहेंगी तो ये बहुत ज़्यादा इसमें से लेस निकलता है, तो आपने इसको ड्राई करके उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। भिंडी को ऐड करने के बाद मैंने उस वक्त तक फ्राई किया है जब तक इसका लेस ना ख़त्म हो जाए और इसमें से ऑयल, ये जो देखें ऑयल ऊपर आ गया इसका। ये अब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें लास्ट में मैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही आपने इसमें ये मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है इसको इस तरह से बारीक बारीक काट के ऐड कर देना है। इस तरह से मैं 4 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी। ये मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती लेकिन इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। भिंडी का ऑयल ऊपर आ चुका है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसे मैं बिल्कुल स्लो आंच पे कवर करके छोड़ दूंगी ताकि ये स्टीम अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ दूंगी और फिर हमारा भिंडी मसाला रेडी हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पर रखने के बाद
अब मैं इसका लिड खोल रही हूँ। अब ये अच्छी तरह से गल चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब लास्ट में इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। मसाला भिंडी रेडी है। इस तरीके से आप अगर बनाएंगी तो आपको भिंडी की जो मुकम्मल गिज़ाइत है वो मिलेगी, और ये बहुत इजी रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।